बच्चे से ये मत कहें कि दीवार पर नक्शो निगार बनाकर इसे गंदा मत करो, बल्कि कहें पेपर पर ये नक्शो निगार बनाओ, जब बना लोगे तो हम इसे दीवार, फ्रिज या तख्ता पर सजाएंगे। बच्चे से ऐसे ना कहें कि नमाज पढ़ो वरना सीधे जहन्नुम में जाओगे, बल्कि कहें कि आओ इकट्ठे एक साथ नमाज पढ़ें ताकि हम जन्नत में भी इकट्ठे हो जाएं। बच्चे से ये ना कहें कि उठो और अपना कमरा साफ करो, क्या जंगल बना रखा है, बल्कि ये कहें कि बेटा क्या कमरे की सफाई में कोई मदद चाहिए, क्योंकि तुम तो हमेशा सफाई और सलीका को पसंद रखते हो। बच्चे से ये मत कहें कि खेल कूद छोड़ो, पढ़ाई करो, पढ़ाई बहुत अहम है, बल्कि कहें कि अगर आपने आज पढ़ाई जल्दी मुकम्मल कर ली तो मैं आपके साथ खेलूंगी, या ऐसी किसी भी सरगर्मी का हवाला दे दें जो इसे पसंद हो। बच्चे से ये ना कहें कि उठो और दांत ब्रश करो, मैं तुम्हें हुक्म दे रही हूँ, बल्कि कहें कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ इसलिए कि तुम हमेशा मेरे कहे बगैर दांत साफ कर लिया करते हो। बच्चे से ये ना कहें कि बाएं करवट मत सोया करो, बल्कि कहें कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि हम दाएं करवट सोया करें। बच्चे से ये मत कहें कि चॉकलेट ना खाया करो ताकि दांतों में कीड़ा ना लगे, बल्कि कहें कि मैंने दिन में एक बार चॉकलेट खाने की इजाज़त इसलिए दी है कि मैं जानती हूँ तुम बहुत समझदार हो, अपने दांतों की सफाई का खूब ख्याल रखते हो। याद रखिए कि हर हर लफ्ज़ और हर काम जो आप करते हैं वो बच्चे को बेहद मुतासिर करता है, और ये भी याद रखें कि आपका बच्चा आपकी सीरत व अखलाक बल्कि आपका अपना ही अक्स है। बात वही है लेकिन अंदाज आप देख लें कैसा है। तो आज से शुरू कर लो यार अंदाज पर मेहनत।